छतरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना के दिन की व्यवस्थाओं के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। बताया गया कि छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय में ईवीएम मशीनों के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी सुरक्षा प्रशासन की ओर से है। वहीं 11 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए भी तैयारियां पूरी होने के साथ ही मॉनिटरिंग सुविधा भी उपलब्ध होना बताया गया। छतरपुर से शुभम सोनी की रिपोर्ट। छह अधिकारी राउंड द क्लास हमारे वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, छह पुलिस के अधिकारी राउंड द क्लास बाहर ड्यूटी करते हैं, साथ में दो सेट हमने सीसीटीवी की कैमरे लगाए हैं, यानी हर गेट पर दो अलग अलग कैमरे लगे हुए हैं। एक की रिकॉर्डिंग सीएसएफ को देखने के लिए मिलती है और एक कैमरे की रिकॉर्डिंग हम बाहर एक्सेस दे रखा है, जो जहाँ लोग हमारे लोग सो रहे हैं विभिन्न पार्टी में उनको तक हमने एक्सेस दे रखा है। वहाँ पर ये कह रखा है कि जो भी उम्मीदवार अपना व्यक्ति उसको लाना चाहता है वो पास ले ले, वहाँ पास बना रहे हैं, वो सो रहे हैं। इस प्रकार से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ये जरूर एक दो एक आध दिन पहले था, वो था 15 मिनट की लाइट चली गई, तो उन सब चीज़ों को भी हमने दूर कर दिया है। वहाँ पर दोहरी बिजली की व्यवस्था है, कोई परीक्षा आज तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं। और ऑब्जर्वर, क्योंकि हर विधानसभा के लिए ऑब्जर्वर पूरे समय मतगणना में उपस्थित रहेंगे, वो अपना काम करेंगे। साथ में आप जानते हैं वीवीपैट का भी प्रयोग किया है, एक वीवीपैट की भी गणना करनी है कि जब पूरी गणना पूरी हो जाएगी तब लाठी डाल के एक वीवीपैट की पर्चियों की भी गणना करके क्रॉस मिलाएंगे हम लोग। और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें कोई पक्षपात या कोई चीज़ों का समावेश हो।